मैं एमएल कॉन्वेंट से केपी सर इंग्लिश क्लास 3 की लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये इनोसेंट विलेजर के बारे में, और आगे मैं ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ही टोल्ड द शॉपकीपर दैट ऑल दोज स्पेक्टेटर्स वेयर यूजलेस फॉर हिम। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक। देन ही लुक्ड एट द बुक। इट वॉज अपसाइड डाउन एंड द शॉपकीपर सेड, परहैप्स यू डू नॉट नो हाउ टू रीड। द विलेजर सेड, नो आई डू नॉट, आई वॉन्ट टू बाई स्पेक्टेटर्स सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स, बट आई कैन नॉट रीड विथ एनी ऑफ दीज स्पेक्टेटर्स। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर विथ ग्रेट डिफिकल्टी व्हेन ही अंडरस्टूड द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर। ये आपका ये पैराग्राफ का रीडिंग है। इसके बाद इस पैराग्राफ के कुछ वर्ड मीनिंग है जो कठिन है, डिफिकल्ट मीनिंग। जैसे यूजलेस मीन्स बेकार, डाउटफुल मीन्स संदेह में, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, कस्टमर मीन्स ग्राहक। इसके बाद मैं आप इस पैराग्राफ की हिंदी बताने जा रहा हूं। इसमें पहले पार्ट में मैंने बताया था कि यह एक गांव वाला है जो इलिटरेट है, मतलब निरक्षर है, और वह दूसरों को देखता है कि लोग चश्मा लगा करके पेपर बुक पढ़ रहे हैं, तो वो भी सोच रहा है कि मैं भी चश्मा लगा लूंगा तो पढ़ने लगूंगा। तो वह अपना एक दुकानदार चश्मा वाली दुकान पर जाता है, दुकानदार से यहाँ, और उसे चश्मा खरीदना चाहता है। वो सोचता है कि मैं भी चश्मा ले लूं और मैं पढ़ने लगूंगा। तो ही टोल्ड द शॉपकीपर दैट ऑल दोज स्पेक्टेटर्स वेयर यूजलेस फॉर हिम। वो दुकानदार से बोला, जब वह दुकानदार कई ठो चश्मा उसको दिया और वह लगा करके नहीं पढ़ पाया, तो वह कह रहा है दुकानदार से कि ऑल दोज स्पेक्टेटर्स वेयर यूजलेस फॉर हिम, ये सभी चश्मे हमारे लिए बेकार हैं। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक। तब वह दुकानदार उसके तरफ संदेह में देखा। देन ही लुक्ड एट द बुक। जब वह बुक की तरफ देखा, वह आदमी जो था वह देखा कि बुक वह कैसे पकड़ा हुआ है। बुक देखा तो वह इट वॉज अपसाइड डाउन, मतलब वह उल्टा पकड़ा हुआ था, डाउन साइड का ऊपर किया था। तो वह द शॉपकीपर सेड, तब वह दुकानदार बोला, परहैप्स शायद यू डू नॉट नो हाउ टू रीड, शायद आप पढ़ना नहीं जानते हैं इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो द
द विलेजर सेड, तब गांव वाला बोला नो आई डू नॉट, कहा कि नहीं मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई वॉन्ट टू बाई स्पेक्टिल्स सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स, कहा कि मैं एक चश्मा खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं दूसरे की तरह पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकूं। बट आई कैन नॉट रीड विथ एनी ऑफ दिस, लेकिन मैं किसी भी चश्मे से, ये सभी चश्मे से नहीं पढ़ पा सकता हूँ। तब कहा कि जब हम वह समझा कि ये चश्मा ही खराब है और वह किसी भी चश्मे से नहीं पढ़ पा रहा था, तब वह दुकानदार हंस पड़ा। द शॉपकीपर कंट्रोल हिज लाफ्टर विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और किसी तरह से वह जो दुकानदार था वह हंस पड़ा और वह किसी तरह से अपने हंसी को कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रण में कर रहा था। वेन ही अंडरस्टूड, और तब वह समझ गया रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, कि वास्तविक समस्या जो है यह है कि यह जो कस्टमर है, ग्राहक है, यह इलिटरेट है, मतलब निरक्षर है, अनपढ़ है, नहीं पढ़ सकता है, इसलिए यह ऐसा कर रहा है और नहीं पढ़ पा रहा है। इस तरह से वह जो ग्राहक था या विलेजर मतलब गांव वाला था, वह पढ़ना नहीं जानता था। और इसी के आधार पर आपको मैं होमवर्क के रूप में दो क्वेश्चन दिया हूँ, और इसको करके होमवर्क या मेल कन्वेंट के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, इसको जो भी इसमें से आंसर सही होगा उसको मार्किंग करके हमें एमएल कॉन्वेंट के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विलेजर वाज, गांव वाला क्या था, जैसे इलिटरेट था, इलिटरेट, रिच, इसमें जो भी सही होगा उसको मार्क करेंगे। दूसरा, शॉपकीपर कंट्रोल हिज विथ ग्रेट डिफिकल्टी, इस पैराग्राफ से ही इसको रीड करके जो इसमें सही होगा उसको मार्किंग करके हमें ईमेल कन्वर्ट के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, कल जो है मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। आज के लिए थैंक यू।